नमस्कार मेरे प्यारे दर्शकों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं निकिता और साइंस सिटी चैनल में आपका फिर से एक बार मन से स्वागत है। आज आपको कुछ ये सेटअप और ये घर वगैरह कुछ अलग दिख रहा होगा, है ना। तो एक्चुअली हम लोग शिफ्ट कर गए हैं या नहीं कर गए हैं पूरा डिटेल आपको नहीं बताऊंगी, बट हाँ इतना मैं बताती हूँ कि हम लोग एक कोई नए घर में रह रहे हैं फिलहाल के लिए। और डिटेल्स जानने के लिए आप डेफिनेटली निकेस हैप्पी वर्ल्ड पे ब्लॉग का इंतजार करिएगा। जल्दी मैं इस नए रूम का जो है टूट लेके आऊंगी। तो मुझे आप ना उसमें एक सजेशन भी देना कि आपको पुराना वाला ठीक लग रहा है घर या ये वाला ठीक लग रहा है, ठीक है। चलिए एनीवेज, आज है ट्यूसडे और आज एज यूजुअल मैं आपको बताऊंगी एक साइड डिवोटी का एक्सपीरियंस। तो ये जो डिवोटी है इनका नाम है आशिका जी। ये इंडियन ही है बट ये यूएस में सेटल्ड है। तो यूएस में क्या हुआ ना, एक कलीग थे 2020 में, तो उन्होंने आशिका जी को एक साई बाबा का कैलेंडर गिफ्ट करा था जो कि इन्होंने पूरा साल भर नहीं खोला। तो इनका क्या मंशा था मेल करने का, इन्होंने पहले बोला कि साई बाबा जी के बारे में तो ये जानती थी बट भक्त नहीं थी। बट यू नो अचानक से कलीग के थ्रू जो है कैलेंडर मिलना, जो कि इन्होंने ओपन भी नहीं करा, कुछ नहीं करा, बट एनीवेज ऐसे करके जो है 2020 इनका साल निकल गया। उसके बाद जो है इनको ना अपना अपार्टमेंट शिफ्ट करना था, कोई और अपार्टमेंट में जाना था। और अंदर से वो एक होती है ना फीलिंग आती है कि मतलब नया अपार्टमेंट है, नई जगह पे जाएंगे तो नई शुरुआत करेंगे, नई बिगनिंग्स करेंगे वगैरह सारा सब। तो इसी तरह जो है इनको एक मनचाहा, इनको जैसे चाहिए था वैसा जो है अपार्टमेंट मिल गया। तो ये वहां पे शिफ्ट हो गए। अब यहाँ पे जाने के बाद अचानक इनको फीलिंग आई कि नहीं, अभी यहाँ पे जो मैं रह रही हूँ तो नई बिगनिंग करनी है, सारा सब कुछ अच्छे से होना चाहिए, तो मुझे ना भगवान की फोटो चाहिए। अभी आप जानते हैं फॉरेन कंट्रीज में उतने हमारे जो इंडियन गॉड्स है कि आसानी से मिलते नहीं है, और इनको ना बड़ी जल्दी हो गई थी कि मतलब नहीं चाहिए ही चाहिए। तो और कुछ नहीं, बट अचानक इनके ध्यान में आया कि इनको जो है उनके कलीग से साई बाबा कैलेंडर मिला था, तो उन्होंने फट से उसको निकाला, उसमें से साई बाबा की पिक्चर कट करी और अपने वॉल पे जो है इन्होंने पेस्ट कर दी। तो पेस्ट करने के बाद अभी वो देख रहे थे, सारा सब कुछ तो कर रहे थे, बट अचानक से इनको ऐसी फीलिंग आने लग गई कि जब से इन्होंने बाबा की फोटो निकाल के अपने अपार्टमेंट में वॉल में लगाई है तब से इनके साथ ना छोटे बड़े ऐसे मिराकल होने लग गए, ठीक है। तो सबसे बड़ा मिराकल ये हुआ कि उस टाइम पे जो है ये अपना जॉब चेंज करना चाहते थे और वो जॉब ढूंढ रहे थे, तो ये कंटिन्यू अपना जो है काम कर रहे थे, इंटरव्यूज वगैरह दे रहे थे। तो आप बिलीव नहीं करेंगे क्या हुआ, इन्होंने जो है टॉप 3 कंपनीज के जहां जहां ये सोच रहे थे कि जा सकते हैं, ये कंपनीज अच्छी है, वो तीनों के तीनों कंपनी के इंटरव्यूज जो है इन्होंने क्रैक कर दिए। शी वॉज लाइक सो हैप्पी, सो ओवरवेल्म्ड कि अरे ये क्या हो गया। इनको तुरंत ही फटाक से फीलिंग आ गई कि नहीं, ये शायद बाबा की ही ब्लेसिंग्स है, न्यू अपार्टमेंट और बाबा को एकदम ऐसे पेस्ट करना, ये सारा सब कुछ उनकी वजह से हो रहा है। ये एक चीज हो गई। और उसके बाद जो है इनका कहना है कि ये 2017 से जो है अपने लिए ग्रूम ढूंढ रहे थे शादी के लिए, ठीक है। इनके मम्मी पापा पूरी फैमिली ये लोग लड़का देख रहे थे, तो इतने टाइम से जो है ये चीज हो नहीं पा रही थी, बट वो भी अभी इनकी मैरिज वाली जो चीजें हैं वो शायद सेटल होने में है। शायद उतना डिटेल नहीं पता है इन्होंने, बट उन्होंने कहा कि सेटल हो गई है और शायद उनको जो है उनका बच्चा ग्रूम भी मिल गया है। उसके बाद और एक चीज हुई कि कुछ टाइम बाद जो है ये इंटरव्यू दे रहे थे, अचानक से वो वाली कंपनी का इंटरव्यू भी इन्होंने क्रैक कर लिया जिसमें उनका मनचाहा जॉब था, मतलब जो उनको काम पसंद था एग्जैक्टली वैसी वाली जो कंपनी है उनको मिल गई। तो फाइनली शायद उन्होंने वही डिसाइड किया, मतलब उनके सामने जो है इतने सारे ज्यादा ऑप्शंस ओपन हो गए। और उसके बाद जो है धीरे धीरे इनकी साई बाबा के प्रति जो भक्ति है वो बढ़ती गई। इन्होंने काफी फिर मतलब ये बाबा को जानती थी, इनको सब पता था, बट ये कभी भक्त नहीं बनी थी। लेकिन जिस तरह से जैसे ये बाबा से कनेक्ट हुई उनको एकदम फीलिंग आने लगी कि ये जो भी उनके साथ चमत्कार हो रहे हैं, सारा सब कुछ जो अच्छा अच्छा हो रहा है ये सिर्फ और सिर्फ बाबा की वजह से हो रहा है। तो ये बहुत खुश हो गई, इनको और ज्यादा श्रद्धा मतलब आ गई बाबा पे, और इनको लगा कि नहीं चलो हम साई सच्चरित्र भी पढ़ते हैं। तो ये जो है रोज अभी साई सच्चरित्र भी पढ़ने लग गई। तो ये है दर्शकों हम लोगों के बाबा की लीला। मैं हमेशा आपको बोलते रहती हूँ कि बाबा जो है हमारे पास या हमें जब वो डिवोटी बनाना चाहते हैं तो किसी ना किसी रूप में किसी तरह से जो है हम लोग के घर में आ जाते हैं, हमसे कनेक्ट हो जाते हैं,
हमको मिराकल शो करते हैं, जिससे हमारे अंदर की जो श्रद्धा है बाबा के प्रति वो और दिन ब दिन जो है बढ़ती जाती है। हमारा मन करता है कि हम बाबा को जो है और जाने। इसके बाद इन्होंने बोला कि जब से अभी मैं भक्त बनी हूँ, जब से मुझे ये अभी रोज ही मतलब मैं साई सच्चरित्र भी पढ़ रही हूँ, तो छोटे बड़े जो मिराकल्स है मेरे साथ हो ही रहे हैं। मतलब आपके साथ में कितनी स्टोरी शेयर करूँ और कितनी ऐसा नहीं, उनको ऐसे हो गया पूरा। तो फिर उसमें से जो है ये एक स्टोरी उन्होंने बताई कि वो बाबा से जो है कैसे कनेक्ट हुई, और कनेक्ट होने के बाद जो है उनकी लाइफ में सारे सभी मिराकल्स कैसे होने लग गए। उनका ये भी कहना है कि शायद जो अपॉइंटमेंट मिलना था उनको, मन चाह जैसे उनको मिला है, तो वो भी बाबा की ही ब्लेसिंग है। तो डेफिनेटली आशिका जी, मैं आपसे एकदम 100% बिलीव करती हूँ कि ऐसी चीजें होती है जहाँ पे जब जिस चीज की हमको जरूरत होती है बाबा जो है हमें डेफिनेटली उस चीज से मिलवा देते हैं, वो चीज जो है हम लोगों की विश फुलफिल भी कर देते हैं। तो ऐसा था आशिका जी का इतना खूबसूरत एक्सपीरियंस। अगर आपको भी एक्सपीरियंस अच्छा लगा है तो प्लीज आपके साथ भी अगर कोई ऐसी स्टोरीज है, एक्सपीरियंस है बाबा के रिलेटेड, तो प्लीज आप मेरे साथ शेयर करिए। मैं जो है सबके साथ ये स्टोरी जो है शेयर करूंगी आपकी। आप मुझे मेल कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पे भी जो है आप मुझे अपनी स्टोरी सेंड कर सकते हैं। इसके पीछे का मोटो यही है कि बाबा जो है कहीं ना कहीं अपने भक्तों को किसी तरह से जो है वो कनेक्ट कर लेते हैं, और जो दूर जा चुके हैं बाबा से या फिर जिनके लाइफ में बाबा की ब्लेसिंग की जरूरत है, तो वो अगर वीडियो देखते हैं मोटिवेट हो जाते हैं, तो उनको जो है इस चीज का बहुत बेनिफिट होगा। जब आप बाबा से जुड़ जाते हो, उनके भक्त बन जाते हो, तो मिराकल्स रोज ही होते हैं। तो चलिए फिर, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूसडे विद अ न्यू एक्सपीरियंस। तब तक के लिए ओम साईं।